हनुमानगढ़ जिले में अब जिस प्रकार से लोग कह रहे थे कि गग्गर टूटेगी नहीं, तो वो अब टूटना शुरू कर चुकी है। जिले में गग्गर नदी प्रवाह क्षेत्र में लगातार खतरा बढ़ रहा है। जीडीसी में लगातार बढ़ रहे पानी के बाद शुक्रवार को जिले की रावतसर तहसील के पास 2 KDM के पास तटबंध टूट गया। इससे लगभग 1200 से 1500 बीघा कृषि भूमि में पानी भर गया। वहीं गांव खेदासरी को रावतसर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पानी भर गया, जिससे रावतसर व खेदासरी का संपर्क टूट गया। पूर्व सरपंच गोपीराम ने बताया कि अब यह पानी आगे रेतीले धोरों से टकराकर वापस जीडीसी की तरफ रुझान करेगा। ग्रामीण रावतसर जाने के लिए कच्चे रास्तों का सहारा लेते हुए खोडा ग्राम पंचायत से होते हुए रावतसर जाने का रास्ता काम में ले रहे हैं। 2 KDM से टूटकर 3 KDM तक पानी भर गया है, जिसमें नरमे की फसलें भी खराब हो गई हैं। गनीमत यह रही कि अभी तक किसी गांव या ढाणियों की तरफ ये नहीं टूटा है। खेतावाली से खेदासरी रोड पर पानी की अधिक मात्रा आने से रोड अवरुद्ध होने के चलते उपखंड अधिकारी ने मौके पर पहुंच सड़क पर एहतियातन के तौर पर आवागमन बंद करवा दिया। थाना प्रभारी अरुण कुमार मौके पर पहुंचे व आसपास की ढाणियों को खाली करवाया गया है और अनाउंसमेंट करके सुरक्षित स्थान पर जाने व प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत कैंपों में जाने की अपील की गई है। सूचना मिली थी कि खेदासरी के पास बांध टूट गया है। वो तटबंध किसानों द्वारा पुराने बनाए गए थे, वो टूटने से खेदासरी और खेतावाली ढाणी के बीच में जो रोड है मुख्य, उस पर पानी आने की वजह से मौके पे हमारे प्रशासन उपखंड अधिकारी रवि जी और हमारे वर्ताधिकारी पूनम चौहान, सीआई अरुण चौधरी और हमारे तहसीलदार, सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सरपंचगण धनराज जी, राम कुमार जी, पार्षदगण सब पहुंचे मौके पर। लोगों से समझाइश की, ढाणियों को खाली करा के उनको सुरक्षित जगह पहुंचाया गया और एहतियात के तौर पर यह कहा गया कि एक बार जो आसपास की ढाणियाँ हैं, जो तटबंध टूटा है, वो लोग सुरक्षित स्थानों पर जाएँ और सरकार द्वारा जो राहत कैंप जगह जगह बना रखे हैं स्कूलों में, वहाँ रहें और अपनी सुरक्षा रखें। और मवेशियों को भी साथ भिजवाया गया है, कोई भी जानमाल की हानि ना हो। हमारी सरकार और पूरा प्रशासन मुस्तैद है।